हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक गुड न्यूज़ है, तो वैसे आप सबको आज बताती हूँ कि वो गुड न्यूज़ क्या है गाइस। तो आज ना मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे हमारे जो प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो धीरे धीरे करके ना कुछ ख़त्म हो रही हैं। और बहुत टाइम मतलब ख़राब था, जो भी ख़राब टाइम था ना, वो धीरे धीरे लग रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है। भगवान हमारे साथ है। तो बस इसमें बस यही है कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब नहीं थी, तो उनको जॉब मिल गई। उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया था, पर हो नहीं रहा था। पर अचानक से उनके तीन तीन जगह से इंटरव्यू के ऑफ़र आ गए थे, तीनों जगह ही उनका सिलेक्शन हो भी गया था, लेकिन उनको हो गया। तो फिर एक जॉब तो उनकी, जब रियांश की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनका जिस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उसी दिन उनको ज्वाइन करना था, पर वो उस दिन नहीं जा पाए थे। तो दो दिन फिर छुट्टी लेनी पड़ी, तो वो जॉब उन्होंने छोड़नी पड़ी उनको, क्योंकि वो वहाँ पे इतना टाइम नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो जॉब छोड़ दी। पर लग रहा फिर पास में ही, वो थोड़ा दूर भी था, फिर पास में ही उनको जॉब मिल गई है जनकपुरी, दिल्ली में। यहाँ जनकपुरी जो है वहाँ पर उनको ट्रैवल एजेंसी में, मेरे हस्बैंड ट्रैवल एजेंट है, तो वो ट्रैवल से ही रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे थे, तो उनको जॉब मिल भी गई है, तो पास में भी मिल गई है। तो बस ये कि हम रियाब के उनको जॉब मिल गई है, और एक बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई है कि बिना कि जब तक जॉब नहीं थी तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो अब ये है कि अगर उनकी जॉब लग गई है तो कुछ परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो अच्छी और अच्छी कंपनी भी है, और लेकिन मेरे हस्बैंड जॉब कर तो रहे हैं वो, और मेरे ख्याल से शायद वो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही कंपनी के मालिक थे, उनकी दो कंपनियां थी, तो उनको फर्स्ट टाइम जाने बहुत मतलब कि अंदर से होता है ना कि एक मालिक हो के, और मतलब कि हमेशा मालिक बन के काम किया है और आज एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने हस्बैंड की इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मतलब कि वो हर काम करने के लिए तैयार हो गए थे, हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि अगर एक हस्बैंड एक कहते ना कि एक अच्छा इंसान जो होता है ना, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी कर सकता है अपने परिवार को पालने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। और मेरे हस्बैंड, मैं दिल से उनकी इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हर काम करने के लिए तैयार हो गए थे, हमारे लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, कि बस अपने बच्चों को देखना है। कि वो मतलब कि आप सोच नहीं सकते, वो दो कंपनियों के मालिक थे और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था उनका, कि एक उनके अंडर में कम बहुत ही लोग काम करते थे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी उनकी, ट्रैवल एजेंसी की बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो धीरे धीरे बहुत टाइम उन्होंने मतलब ख़राब होता चला गया। और पता नहीं क्या, पता मेरे हस्बैंड दिल के बहुत साफ़ हैं कि वो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, अगर मैं किसी के साथ गलत नहीं हूँ तो सामने वाला मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। पर ये वो कहते हैं ना कि अच्छा इंसान की अच्छाई, जो अच्छाई होती ना, उन जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, सब बुरा होता ही है। कि पहले कि आप ना चाहते हो भी बहुत कुछ देखना पड़ता। मेरे हस्बैंड हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा बंद कर पहले कर लेते थे, कि अभी भी वो ऐसे ही हैं कि वो किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। तो बहुत, जो उनकी कंपनी थी ना, बहुत बड़ी थी। बुद्धि, मैं किसी दिन आपको अपने हस्बैंड से मिलाऊंगी, वो आपको खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या हो गया था। और मुझे सच में कभी कभी बिलीव नहीं होता कि मेरे हस्बैंड के कुछ हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने हर काम, यहाँ तक कि इतनी परेशानी आ गई थी तो मैं मतलब कि वो मुझे बताने में भी मतलब कि मुझे सोच के लग रहा था कि नहीं, आप नहीं करोगे ये काम। वो एक ठेला होता है ना, वो ठेला लगाने के लिए भी तैयार हो गए थे। और मैं अंदर से ना उस चीज़ को, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो इतना इतना एक कंपनी के मालिक होके और इतना बुरा समय आया तो वो एक ये काम करने के लिए भी तैयार हो गए थे। एक होता ना क्या कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पर उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस ये था कि मेरा परिवार है और मुझे पालना है और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे हस्बैंड को एक अच्छी जॉब मिल गई है, और वो थोड़ा सा एटेड भी हो रहे थे कि फर्स्ट टाइम गए थे, तो वो होता है ना कि आप एम्प्लॉय बन के गए हैं और ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वो जा रहे हैं और मन से काम भी कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी बात है कि वो जिस चीज़ में भी जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। तो उनकी जो कंपनी है
उनको जब पता चला कि मेरे हस्बैंड की पहले से दो कंपनियां, तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिली इस चीज़ के लिए। तो और साथ में उनके काम भी अच्छे से कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि मतलब कि वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जो ऑनर है, जब उनको पता चला कि इनकी खुद की कंपनी थी और ऐसे मतलब कि बहुत सी क्या परिस्थिति आ गई, वो मेरे हस्बैंड ही आपको किस दिन में मिलाऊंगे अपने हस्बैंड से, वो ही बताएंगे क्या ऐसा क्या हो गया था कि उनकी कंपनी को बंद हो गई, कितना लॉस हो गया था, उसके बाद क्या क्या परेशानियां झेली उन्होंने, कितना कुछ फेस किया है। उसके बाद कहते हैं ना, लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बस मैं अपने हस्बैंड की, जब पहले मैं शादी से पहले भी मुझे नहीं पता था, लेकिन उनका जो लोग बताते हैं कि उनकी इतनी बड़ी कंपनी थी और इतना सब कुछ था उनके पास और कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, तो मुझे भी यकीन नहीं होता कभी कि पहले भी मुझे मतलब कि यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना सा हो गया। और मेरे बाद में शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छी खासी मतलब तब भी उनकी खुद की कंपनी थी और वो अच्छा खासा कमाते थे, और उन दो तीन एम्प्लॉयज़ भी उन्होंने रख रखे थे, वो खुद ही अपनी कंपनी के मालिक थे, लेकिन वो भी लॉकडाउन में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। पर कोई नहीं, फिर से एक नई शुरुआत की है और बहुत अच्छे से हुई है और अच्छी बात है। और मुझे अपने हस्बैंड में 100 बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो दिन एक दिन वो ज़रूर जो हम उन्होंने सोचा है वो हमारे लिए ज़रूर करेंगे, और उनकी काबिलियत में मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, बस थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई नहीं, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, तो और लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते वो। यहाँ तक कि मैं अगर उनकी कभी अच्छाइयाँ आपको बताऊँ ना, मैं डिटेल में कभी किसी दिन आपको बताऊँगी कि वो कैसे इंसान है, कि मैं शब्दों में कभी बता ही नहीं पाऊँगी कि उनकी के वो क्या क्या। पर मैं आपको किसी दिन अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलाऊंगी। वो मैंने उनको पहले भी बोला था आप मेरी वीडियो में नहीं आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी ना मैं आने के लायक नहीं हूँ, मैं जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं अब उनकी जॉब लग गई है, अच्छी बात है, और बहुत सी परेशानियाँ होती ना कि बिना काम कमाई के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे ऊपर से हट गई है कि उनको जॉब मिल गई है। और अभी ये भी नहीं था कि अगर हम कहीं पे कुछ अपना ही बिजनेस डालते तो उसमें भी सर्वाइव करने के लिए चाहे 7 महीने लग जाते आराम से, किसी भी आप बिजनेस को करते तो बहुत भी हम अभी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हमने कहा, मैंने हम दोनों ने यही सोचा कि अभी जॉब कर लेते हैं, जॉब उसके बाद देखेंगे, कुछ टाइम के लिए जॉब कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने जो सोचा है वो ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, और करेंगे, वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि जो वो सोचते हैं ना वो करते जरूर हैं। मेरे हस्बैंड बहुत का माइंड बहुत ही शार्प है, और वो बिज़नेस माइंड कहते हैं ना कि उनका माइंड एकदम बिज़नेस से ही, तो जो भी सोचते हैं ना तो एकदम ही अलग सोचते हैं, कुछ भी जो भी सोचेंगे अलग सोचेंगे, और वो करके भी दिखाते हैं। तो बस अभी कुछ टाइम के लिए हमने सोचा है कि हम दोनों ने ही डिसाइड किया था कि अभी कुछ टाइम के लिए आप जॉब कर लीजिए, उसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी उसके बाद देखेंगे कि हम अपना क्या जो सोचा है वो करेंगे ज़रूर, और वो मुझे पक्का विश्वास है कि वो उसमें कामयाब भी होंगे, और वो हम आप मैं यूट्यूब पर ज़रूर शेयर भी करूँगी, और मैं अपने हस्बैंड को आपको किसी दिन मिलाऊँगी, तो ये हमारे लिए हमारी बहुत बड़ी जो समस्या थी ना वो ख़त्म हो गई गाइस, कि मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक परेशानी ख़त्म हो गई है, और ये छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी थी जो ख़त्म हो गई है। तो बस धीरे धीरे ये भगवान ने हमारे जो परीक्षा ले रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें वो हो रहा है कि ठीक है, कि अब सब कुछ धीरे धीरे लाइन पर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बस यही गुड न्यूज़ थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई है। बहुत टाइम लगा, 5 से 6 महीने करीब उन्होंने ट्राई किया, और उसके बाद अचानक से उनको 2-3 कंपनी, उन्होंने कई कंपनियों में ट्राई किया था, पर उनको आखिरकार जॉब मिल गई। पहले उनके मेरे हस्बैंड को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था कंपनी के, तो उन्होंने कुछ उसमें कम भी करके डाला था कि कंपनी, तो इसकी वजह से उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस था ना, तो उस हिसाब से उनको जॉब में मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्होंने अपना रिज्यूम चेंज किया और अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा कम करके बताया, उसकी वजह से फिर उनको जॉब मिली, और अच्छी कंपनी में जॉब मिली, और बहुत ठीक ठाक सैलरी भी है,
और अभी कुछ टाइम तक कि जिस तरह जैसे है कि सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद वो मेरे हस्बैंड अपना खुद का बिजनेस भी करेंगे, जो उन्होंने सोचा वो करेंगे ज़रूर। और बहुत मैं आपको अपने हस्बैंड से किसी दिन मिलाऊंगी गाइस, तो बस यही गुड न्यूज़ आपको आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी कि अगर मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बस तो बस अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बस यही शेयर करने के लिए आज छोटा सोचा सा आप सबके साथ ये अपनी एक अच्छी खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करूँगा इसे, तो बस मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो बस मैंने बस यही गुड न्यूज़ बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया छोटा सा कि हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ी परेशानी हट गई है, ख़त्म हो गई है कि तो बस आज सबको आपको बस ये बताना था मुझे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।